गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और दोस्तों, कल रात को हम आपको बता नहीं पाए थे प्लेसमेंट में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो अब बताता हूँ मैं। ये भाई भी खड़े हैं इधर आ। मैं नहीं आऊंगा भाई, अरे तूने आ जाए कोई। अरे तूने कोई स्टार्टिंग बात में नहीं नहीं, लिया स्टार्टिंग में क्या नहीं लिया, इतना क्या। देखो शीशा कल छोड़ छोड़ छोड़, वो मैं काट दूंगा। तो गाइस, हम कल गए थे प्लेसमेंट के लिए। तो पहला राउंड था प्री प्लेसमेंट टॉक, ठीक है। उसके बाद मतलब उसमें कंपनी के बारे में बताते हैं क्या हुआ क्या है, कब शुरू हुई कंपनी, कितने लोग हैं कंपनी में, कहाँ कहाँ ऑफिस है, तो ये सब चीज़ें बताई, ठीक है। थोड़ा वहाँ दिल टूटा कि भाई छोटा ऑफिस है, कम लोग हैं, पर पैकेज अच्छा था 6 लाख का। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। पहली बात तो सेल्स कंपनी थी, तो मैं कभी पहले गया नहीं था, मुझे इतना पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने वो डिस्क्रिप्शन में लिख रखा था बिजनेस डेवलपमेंट एनालिटिक्स, तो हम कुछ और ही समझ लिए थे, ठीक है। उसके बाद था राउंड वन ग्रुप, वैसे तो ऑनलाइन टेस्ट था, पर उन्होंने ग्रुप डिस्कशन रख दिया था। तो ग्रुप डिस्कशन में सारे बाहर, सिर्फ मैं और एक और लड़का था, वो सिलेक्ट हुए थे अगले राउंड के लिए। तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, सिलेक्ट हो गया, ठीक लग रहा है, अच्छी है कंपनी, हाँ जाना है। उसके बाद क्या हुआ अच्छी है कंपनी सुन तो तभी सही। उसके बाद क्या हुआ, पूरा दिन बैठे रहे, पूरा दिन बैठे रहे। शाम को जब हमारा नंबर आने लगा ना, तो मैम आई, कहती कि आप मतलब और समझाने लग गई, जॉब डिस्क्रिप्शन देने लग गई कि आपको ये है। सेल्स कंपनी थी, मुझे नहीं पता था। अब वो आके बोली कि आपको रोज के टारगेट मिलेंगे, अगर आपने टारगेट कंप्लीट नहीं करे तो आपकी सैलरी कटेगी। इतना डीमोटिवेट कर दिया ना बच्चों को, कि आधे तो जो 35 बच्चे सिलेक्ट हुए थे 75 में से, वो तो आधे तो ऐसे ही चले गए थे, 15 16, मना कर हाँ कि चाहिए नहीं। जो रुके थे उसमें से कई का मन था कई का नहीं था, बट जो मैम आई ना, हमारा दिल तो वही टूट गया कि भाई सैलरी ये है, कटेगी वो टारगेट कंप्लीट। तो भाई मैं इंटरव्यू में गया और मैं मना करके आ गया कि मुझे नहीं करनी जॉब, क्योंकि उनके जो भाषा से वर्क कल्चर खराब लग रहा था मुझे कंपनी का। तो पहली कंपनी में गया और पहली कंपनी को मैं ठुकराया। कोई बात नहीं, अगली एक और लगी हुई है लाइन में, पर वो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो उसी टाइम पे बताएंगे। बाकी कैंपस अच्छा था, कैंपस में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, हमेशा कोई लाइब्रेरी चलना चाहिए। लाइब्रेरी जा रहे हैं दोस्तों, अब अगली कंपनी की तैयारी। टेक, अब की हेलो, बार टेक में अप्लाई करेंगे, सेल्स कंपनी मत लेना यार, टेक ठीक ऐसा है भाई। ऐसे टारगेट देंगे फट जाएगी। बस यही था डिस्क्रिप्शन, बाकी और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, बाकी तो कुछ है नहीं। चलिएगा, ये देखिए गाइस, ये हमारे यहाँ की छोटी सी लाइब्रेरी, छोटी सी राजपुरा से बढ़िया है कि नहीं है ये? राजपुरा तो मैंने देखी, देखा ही नहीं है। तूने देखी नहीं राज, तूने देखी है? नहीं, हम लोग गए थे पूछने राजपुरा, गए थे तो मैं राजपुरा की लाइब्रेरी, कार पार्किंग जैसे लगती है, बेसमेंट में। मैम से पूछ रहे हैं कि लाइब्रेरी, मैम बोल रही हमें नहीं पता है ही। हाँ पहले बोली है ही नहीं, फिर बोल रही है हमें नहीं पता, लाइब्रेरी नहीं है। आउट तो कर दो, आउट हो गया अपने ऑटोमेटिक। नहीं मैं कर दिया, ये लोग कहीं नहीं किए थे। ये देखिए गाइस, गो ग्लोबल, हम जाएंगे आउट ऑफ इंडिया। किसी ने देखी है मैम, यहाँ पर है। ये देखिए नीचे गाइस, ये वो कुछ कंपटीशन चल रहा था फिट फेस्ट वाला, वो डंबल्स उठा के इधर उधर भागने, पुशअप पुलअप, मतलब फिटनेस वाला सब था, अब ख़त्म हो गया। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हम थोड़ा लेट हो गए, सो रहे थे हम। यार इतना खास था भी नहीं कुछ, ये तो होता रहता है। देखो ये डंबल पड़ा हुआ है, पहले भी हुआ था, पहले भी दिखा है। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इतना खास नहीं था ये, वैसे छोटा सा था। ये देखिए गाइस, कल राजपुरा की हवा लग गई हमें, और यहाँ हिमाचल कैंपस में पास्ता ऑर्डर कर रहे हैं। अरे हाय क्या बात है, ये जिम वाले वो ये छोड़ के दिया, अब चाय भी पी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, खा ले। इजी भाई, इजी भाई, इजी खा ले, खा ले, कोई बात नहीं, मस्त बना हुआ है वो, तो मैंने बोला था ऐसी बोल दिया। टेस्ट अच्छा? हाँ टेस्ट तो अच्छा ही, देखो खा लो आप।
कोई चटनी दी है कोई अच्छा है ना टेस्ट कर फिर पैसे सारे अब अच्छा उतना भी अच्छा नहीं है सबा सो गाइस एक कंपनी आई थी RNF करके मतलब जो एक कल दिया है वो नहीं वो तो इन्फिनिटी एजुकेशन थी एक अगली आई हेलो चुप एक अगली एक कंपनी आई है RNF टेक्नोलॉजीज तो इन भाई साहब ने नहीं सबने जितने पीसीए किया था उसमें दो पोस्ट थी एक थी कॉन्फ्रेंस ट्रेन एक थी ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस सेल और एक थी ट्रेनिंग सेल्स ठीक है तो सबने ना पूरा पूरा ब्रह्मांड का जोर लगा के सर्च कर लिया और ना क्लिक कर दिया कॉन्फ्रेंस ट्रेनी सेल्स ठीक है अब ना अप्लाई करे हुए हो गया 3-4 दिन ठीक है हमने सोच अब कलम प्लेसमेंट से होके सुन तो सही कल हम प्लेसमेंट से होके आए थे तो उन्होंने बोला था कि जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना जरूरी है कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं कौन सी कंपनी है क्या करती है तो हमने कहा चल कल रात को आए थके आ रहे हमने कहा चल देख लेते हैं तो जो वो पोस्ट थी ना वो सिर्फ वुमेन्स के लिए थी वो दूसरी वाली थी वो मतलब थे दोनों सेम ही काम थे उनमें बस वो एक वुमेन्स वाली थी एक मेंस वाली थी तो इन भाई साहब ने वुमेन्स की थी एक तो खाली वुमेन्स की थी एक दोनों बोथ की थी तो इन भाई साहब ने इन भाई साहब ने सब भाई साहब ने तूने मेरे को बताया था कह रहे मैंने पूरा पढ़ लिया किना केश बता रहा कह रहा भाई ये सबसे बढ़िया लग रहा है यही होगा बड़ी लाइन लग रही है बड़ी जो भी तो सबने वही कर दिया तो बस उसके बाद क्या हुआ खेल तो सुनो उन्होंने रीओपन कर दिया एप्लीकेशन कि बंदे ठीक कर ले है ना बहुत बंदों ने गलत भर दिया हमारे नहीं सब नहीं बाकी इधर तो दिखाने का कोई फायदा ही नहीं है ये क्या बात हुई ये क्या बात हुई वो गाली वाला है ना कैरिमिनाटी का गाइस आ रहे हैं 30 तारीख को 30 याद रखना डेट मिल जा रहा है ओए मैं बोल देता हूँ इससे मिल जाना यार बहुत ज्यादा वो करता है मिल जाए कोई मिलते मिल जाए क्या कोई बात नहीं अपनी मर्जी से आना कि जरूरी नहीं है मेरे मर्जी से नहीं मेरे को पता भी नहीं है कहाँ पर होगा हमारा जो मैच वगैरह है होगा ना ये तो पक्का है ना ओए नहीं नहीं बैनर लगे हुए थे बैनर लगे हुए थे क्या बैनर लगे हुए थे ना 6 लाख का प्राइस पूल था ओए मैं कह रहा हूँ सुनो अपने दोस्तों को भी ले आना इससे जरूर मिल लेना यार इससे जरूर मिल लेना अरे ऐसी बात नहीं है तो अभी लड़कियां दोस्तों को अरे अरे लड़कियां क्या लड़कियां नहीं भाई थोड़ी शर्म आती है मुझे ये देखना दोस्तों ये देखो जूते में देखे ओए वाह बहुत में देखे ओए वाह वाह अरे थोड़ा देखना चंगा हो जाता है भाई थोड़ा फोन में देख के जूते के लेसेस बांध रहा है फोन फटाफट बंद कर दिया भाई ने खोलना खोल अच्छा तेरा ही था क्या दिखाना खोलना ये देखो ओए परफेक्शन चाहिए भाई लाइफ परफेक्शन अभी भी नहीं आएगी परफेक्शन भाई आज पता कहां गया था पोएट लिखने पोएट्री लिखने गया था भाई थी यार। क्या स्टोरी राइटिंग भाई जो भी है भाई वहाँ पर लोगों ने गाने गा दिए तू मजाक समझ रहा है ओ ओ लोगों ने ये तो कुछ और समझ रहा है कुछ और पता यू आर जस्ट इनफ अरे वो तो कुछ और क्या है यार नहीं वो बोल मत वो मैंने कही एक किसी और के आईडी पे भी पढ़ा यू आर भाई अच्छा अच्छा समझ गया समझ गया समझ गया अरे काट दियो नहीं कटेगा टाटा उड़ा बोला था कल ओम जी के सामने बिगड़े 1v1 करो 1v1 और इसने कल श्योर बोला था ना मैंने टाटा उड़ा बोला को तो कहीं नहीं रख जाओ चौक पर के पीछे लड़ रहे हैं अरे हाँ काट दूंगा काट दो टेंशन क्यों ले रहा है हाँ लड़ो ना चौक पैड के अटेंडेंस ओए ओम जी डाटा उड़ गया है अबे इसकी फीलिंग आ रही है इसको गर गर बनाने में तू हटी हो तू हट ओए ओम जी इसने तेरी क्लास से छुड़वाई है अपडेट नहीं हुआ अटेंडेंस मेरी भी छुड़वाई है अगर मैं डिटेल हुआ तो फिर समझ लियो बाबू क्या समझ लियो क्या बगल में ही सोता है रात को तकिए के नीचे मारेगा तुझे रात में कह रहा है तो डाटा उड़वा दिया अटेंडेंस छुटवा दिया आज की ओए यार कितना बुरा हुआ यार मैं इसके वजह से मैथ का क्लास नहीं गया
तो जाओ ना। मैथ की ना डिलीट हुई है, बाकी सबकी तो अपडेट है। मैथ की डिलीट, सबकी अपडेट होगी। वो बेवकूफ जीएस की क्लास नहीं गया जबकि खत्म हो रहा था जीएस। जीएस की तो अपडेट है, जीएस की अपडेट है। ओए रे भाई, कितना क्लास हुआ? हो गया क्या? बस इतनी सी, यही तो टुच्ची सी लड़ाई थी। मार दूँ उसको। जेएस में हमारी भी है 62 क्लास, 20 प्रेजेंट है। अटेंडेंस गाइस 75% अटेंडेंस बहुत जरूरी है। इतनी रात हो गई है। हाँ हाँ हटा दूंगा, टेंशन ले ले। अरे राम 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 राम। आपकी भी अटेंडेंस कम है क्या? मेरी मेरी तो बहुत है। बहुत है, आ थोड़ी दे दे यार। चलो कहाँ चलो? तो गाइस आज का व्लॉग यही एंड होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ओ भाई के साथ एक टीम बनाई है हमने, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मुझे इंस्टा फॉलो करना। बस गाइस आपसे कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।